अरनाला गांव का एक 40 वर्षीय युवक विनोद कोहली अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक ऐसा युवक जो बिल्कुल शांत था, हसमुख था, अपने काम से मतलब रखता था, लेकिन साथ ही साथ समाजसेवी भी था। लोगों की मदद करने के लिए अक्सर आगे आया करता था। उन लोगों की मदद करने के लिए अक्सर आगे आया करता था जो अरनाला गांव के गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनको ज़रूरत होती थी। विनोद कोहली अपने आप को आगे रखता था। बहुजन विकास अघाड़ी का कार्यकर्ता कहा जाता था, लेकिन हर दल के साथ इसके अलग ही संबंध थे। एक हसमुख लड़का, एक मिलनसार लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक ऐसा युवक जिसे याद करके आज अरनाला गांव के सैकड़ों लोग रास्ते पर उतरे उसकी अंतिम यात्रा में। आपको बताते चलें कि विरार पूर्व के एक शिरगांव के पास में एक तालाब है, जहां पर कई लोग नहाने और वर्जिश करने और तमाम तरह के सुबह सुबह के पर्यटक लोग जाते आते रहते हैं। अक्सर अरनाला से ये युवक अपनी वर्जिश के लिए यहीं पर जाया करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि शिरगांव का ये तट अब उसके लिए अंतिम दिन साबित होगा। सुबह 4 बजे निकलता था और वहाँ पर जाकर वर्जिश कर रहा था, तैरता था, स्विमिंग करता था, उसके बाद वापस अरनाला गांव प्रस्थान करता था। लेकिन रोज़मर्रा की तरह वो गया, लेकिन इस बार विनोद वापस नहीं। गांव के लोगों को इसकी भनक हुई तो गांव के लोग वहाँ आनन फानन में 7 बजे के करीबन पहुँचते हैं। उसके शव को देखते ही सबकी हालत ख़राब हो जाती है, पूरा गाँव आज गम में लीन हो गया। ये यात्रा आप देख रहे हैं, ये विनोद कोहली की ही है। उसकी याद में उसे स्मृत कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी इस यात्रा में शामिल हुए और कहीं ना कहीं गम में लीन रहे। शहर के जाने माने लोग भी इस पूरी यात्रा में उपस्थित होकर विनोद कोहली को श्रद्धांजलि अर्पित। इस पूरे मौके पर अरनाला गांव के निवासी महेंद्र पाटिल पूर्व सरपंच ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। गांव में काम में सबको मददगार के लिए, मदद करने के लिए हमेशा आगे आते थे विनोद जी, और सबकी मदद करते थे। मेडिकल हो, सोशल हो या और एजुकेशनल हो, हर टाइप की मदद वो बिना किसी को मालूम पड़े चुपचाप मदद करते थे, और हमेशा सबको मदद करने वाला ऐसा उनका व्यक्तिमत्व था। मैं खुद की ओर से और गांव की संवेदना उनके साथ है, उनके फैमिली परिवार के साथ है।